आज हम करने वाले हैं ईटिंग लंच बॉक्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आज के इस चैलेंज में ना हम करने वाले हैं टीम गेम और उसमें होंगे डिफरेंट गेम्स और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन कौन से देश का लंच बॉक्स का आएगा। मुझे तो ना अलग अलग देशों का देखना है क्या होता है लंच बॉक्स। वैसे हम तो बचपन में मैं तो रोटी सब्जी लेके जाती थी। मैं मुझे इडली मिलती थी कभी 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 अमीर था अमीर था इडली मिलती थी मतलब तू अमीर था अमीर क्या घर पे बनाते थे। आपको बता दूं उमेश को स्कूल में बोलते थे लंच बॉक्स चोर। नहीं इनफैक्ट मेरा लंच पूरा क्लास खाता था। मैं इतना अमेजिंग लंच लेके जाता था। तो चलो फिर आज के चैलेंज चालू करें। तो अभी इस राउंड में हमें करना है गेस कंट्री का नेम। ओके एक टीम को कैसे दिया जाएगा? हाँ मुझे दिया जाएगा पर मुझे पता नहीं है कंट्री का नेम तो मुझे ऐसे सर के ऊपर पकड़ना है। उमेश को पता है उमेश मुझे डमशेरर्स खेलकर बताएगा कि कंट्री का नेम क्या है। बोल नहीं सकता ये। ओके ओके और मुझे गेस किया तो उस कंट्री का खाना मिलेगा। चलो चलो दे दो। ओ मुझे दिखाया नहीं अभी तक। दिखा दिखा चल मैं बताता तुझे क्या है। ओके ये आपको ओके समझ गया। तुझे पता नहीं है। हाँ, हाँ, देखा नहीं अभी तक मैं। क्या तुझे दो नंबर लगी है? अरे मुझे दो नंबर नहीं लगी है। जाना है तो तुझे कब से लगी पर मैं बता नहीं रहा। अच्छा सुन सुन पहला वर्ड। हाँ पहला वर्ड जलेबी। बाई जलेबी खानी है। आधी जलेबी तुझको खानी है। आधी जलेबी नहीं पर अभी तो बोला था पार्टी लगी अभी भूख भी लगी है तेरे को। अच्छा छोड़ यार दूसरा वर्ड सुन 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 कढ़ाई में खाना पका रहा है। कढ़ाई 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 क्या? हाँ क्या कढ़ाई में खाना क्या है? नहीं और क्या कढ़ाई में? अच्छा छोड़ यार एक मिनट। ये तू क्यों रहा है? अरे नहीं चीज तू क्यों रहा है? अच्छा तू खा रहा है वो चीज तो पान होती है। पान 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 ठीक है फर्स्ट पान 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 अभी फर्स्ट जलेबी भाई जलेबी जलेबी को तोड़ना है। हाँ, हाँ। जा, जा, जा। जा और दूसरा पान। हाँ। जपान जपान बाप रे। ओके द बॉयज को मिलने वाला है जापान का लंच बॉक्स। ठीक है अब हम गर्ल्स लोग का देख तो चलो मैं गेस करूंगी अक्षता मुझे बताएगी। यस ओके ओके ओ हमने देख लिया है। मैं भी देख लूं। ये क्या ये क्या अक्षता रन 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 ये क्या है सी रन डांस रंग डांस क्या है अक्षरा एक तो एक करना डांस। ओके डांस डांस ये कुछ तो लेटर बता रही है। सी रन डांस रन। ओके ओके स्विम स्विम मछली फिश। अच्छा उसको कट करो कट करो ओके फरन 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 अख्तर का वो डांस इटली इटली वो लोग घूमने गए थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिर। ओके ओके फरन फरन से कंट्री है कंट्री है। ओके ओके फर र र रंस डांस फ्रांस फ्रांस ओ गॉड अक्षता ये क्या था? अच्छा ये डांस पूरे डांस क्या था? फर रन रंस लंच बॉक्स आ चुका है। ये तो लंच बॉक्स में भी कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार नहीं है इसे बोलते हैं बगेट बकेट। अरे बकेट में तो हमारे घर पे नाते हैं। ये इतना बड़ा पाव आता कैसे है लंच बॉक्स में? नहीं मुझे भी नहीं समझ में आया। और यहाँ पे है ग्रिल्ड पुलेट। अरे भूख देगी तू बोलते बोलते मतलब दैट इज मींस ग्रिल्ड चिकन और चीज है और मुझे लगता है ये सैलड। तुम्हें क्या क्या मिला वो तो बताओ। जापानीज इसमें ना इतने डिफिकल्ट नाम थे हमने लिख कर लिए है। ये कुछ यहाँ पर कुछ टमाटर और लीव्स दिख रहे हैं। ये पिकल है ये फिश है फिश फिश है जिसका नाम साबा और ये है फ्लेवर्ड पोटैटो। क्या बांसुरी दी है वहाँ पे बच्चे लोग स्कूल में ऐसा क्या रहे क्या बोला तू बड़े से मारू क्या? अरे नहीं टूट रहा है एक सेकंड एक्चुअली नॉर्मल ब्रेड ही है ये
इतना कड़ा क्या पर नॉर्मल नहीं अलग टेस्ट है। तो जापानीज लंच बॉक्स सूखा सूखा था पर टेस्ट में थोड़ा अलग अलग था, स्पेशली ये पोटैटो वनीला वाला अमेजिंग और ये साबा वाज फैबुलस। यार मेरा मोबाइल कहाँ पर रख दिया है? ओह ये देखो। चलो प्रीति सिंगापुर निकलना है जल्दी। प्रीति क्या कर क्या रही हो? अरे वो स्टोरी स्पार्क गेम खेल रही थी ना मैं, तो इसमें इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। क्या 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 खेल रही थी? गेम स्टोरी स्पार्क। तुम कब से गेम खेलने लग गई? अरे ये गेम बाकी गेम से बहुत ही अलग है। इस गेम में ना तुम अपना कैरेक्टर खुद चूज कर सकते हो, अपनी स्टोरी को खुद डायरेक्ट कर सकते हो। इट्स लाइक अ मूवी। मूवी जैसा गेम? हाँ। और तुम्हें पता है जैसे हमारी लाइफ हमारे डिसीजन पे डिपेंड होती है ना, तो ये गेम भी वैसे ही है। तुम जैसे जैसे डिसीजन लोगे तुम्हारी गेम में स्टोरी वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। और इसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो इतने रियलिस्टिक है ना, खेलने में बहुत मजा आता है। ओ, ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ, और इस गेम का इंटरफेस इतना अच्छा है ना कि तुम्हें खेलते वक्त कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अरे वाह इतना अच्छा गेम है तो मैं तो जरूर खेलूंगा, मुझे तो गेम बहुत पसंद आते हैं। नहीं संकेत अब तो ये गेम मैं खेल रही थी ना, मेरा कैरेक्टर है उसमें। सॉरी सॉरी मुझे अभी बहुत पसंद आया गया गेम स्टोरी स्पार्क। एक काम करते हैं कि हम उमेश अक्षता को मिलते हैं और स्टोरी स्पार्क गेम ना हम चारों मिलके खेलते हैं, देखते हैं कि किसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये अच्छा आइडिया बताया तूने, है ना? बर्डीज ये स्टोरी स्पार्क गेम इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैं और संकेत तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं। आप भी जाइए खेलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो जाना भी है, बाद में खेलेंगे। मुझे बताना भी है। बहुत ही सिंपल है, हमारे सामने रखा है ग्लोब और हमें इसे घुमाना है और हमारी उंगली से उसे रोकना है। तो हमारी उंगली जिस भी कंट्री पे आके रुकेगी उस कंट्री का खाना तुम्हें खाना है। उंगली करो यार लड़कियों को ना अंटार्कटिका आना चाहिए। क्यों बता क्यों? वो लोग बर्फ खाएंगे ना। बात तो सही है, ऐसा है तो उनको ना अफ्रीका वाला सारा डेजर्ट भी आना चाहिए तो वो रेत भी खाएंगे ना। अंटार्कटिका में क्या भूत रहते हैं? बर्फ खाते वो ना। चलो ओके चलो तो फर्स्ट मैम फर्स्ट हम घुमाएंगे। चलो घुमा, चलो तू चाहेंगी घुमा मैं हाथ रखूंगा। थ्री घुमा। ये देख यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर थोड़ी, मैक्सिको के ऊपर भी मेरा हाथ है। ठीक है मैक्सिको का खाना लंच बॉक्स। हेलो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी है ना, यूएसए के ऊपर। हां मेरा हाथ यूएसए के ऊपर भी और मैक्सिको। मैं तो बोलता हूं दोनों के बॉर्डर के ऊपर है तो हम दोनों का खाना खाते हैं। चालाक ब्रो, तू यूएस का मैं मैक्सिको का हूं। ये चलो अभी घुमा प्रीति घुमा। ओ ये क्या है? ब्राजील का खाना क्या मालूम। चलो अब दोनों का खाना लाते हैं। बहुत बड़ा बुरा लगा है ना संकेत? या खाने भी बहुत बुरा लगा। एक तो पहले हमें दो देश के खाने मिले, एक है मेक्सिको जो कि इंडियन जैसे ही वहाँ का खाना रहता है, बहुत टेस्टी। मैं बोलता हूँ यूएसए का। तू गया ना मेक्सिको में? ये पैदा ही हुआ था वहाँ पे? मैं पैदा मेक्सिको में हुआ था, समझा गया तुम? मेरा जो मिडल नेम है ना उमेश, मेक्सिको कुकरी थी। ये क्या बात करता है यार? No comments. हमें यूएसए का खाना मिला है मुझे, और यूएसए में आप कैश पे करोगे? बर्गर होगा, फ्राइज होगा, वो ये बाकी KFC होगा। ये क्या यहाँ पर मटर दिया है बेक बीन्स के नाम पे, ये मैश पोटैटो दिया है, ये कौन खाएगा? और फ्रूट सलाद दिया है, और ये दूध दिया है, दूध। अरे आपको पता है मिलता है, बट मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है वहाँ पे यूएस के बच्चे दूध पीते हैं, बट अमूल ताजा। तो मेक्सिको का खाना तो हम हमेशा खाते हैं। ये है चूरोस, बहुत यम्मी होते हैं ये, तो सबका फेवरेट बरिटो। ये बेसिकली एक रोटी है जिसके अंदर भात और अलग चीजें राइस होते हैं। जैसे हम सब्जी रोटी और राइस खाते हैं वैसे वो सब मिक्स करके। और ये बर्गर जैसे दिखने वाली चीज क्या है? ये है चोटा। और ये ब्राउन कलर का क्या है? इट्स अ एग। स्टूपिड। तो हमें मिला ये रेड बीन्स और ये है एग, और इसे कहते हैं मनी कोबा जिसमें राइस है, करी है। मनी के मने मते, दैट इज श्रीलंकन सॉन्ग। चलो अभी अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मैं खा रही हूँ एक मिनट रुको, मनी कोबा कैसा है? मैं ये
करी के साथ खाती हूँ। जो सॉस है ना, हाँ। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, थोड़ा अजीब है एक्चुअली। मुझे तो इन सब खाने के टेस्ट पता है, मैं खाने ही नहीं वाला एक्चुअली। हाँ, मैश पोटैटो क्या पोटैटो बॉईल किया हुआ, ये जैसे अपन करी राइस खाते हैं। तो पहले मफिन तो अच्छा रहता ना, मफिन तो ट्राई कर। बर्गर किधर है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें। यस, ये करी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। ठीक है, मतलब मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। मेक्सिको का इज तो फैबुलस। अरे कितने खाओगे? ओके okay. अरे इनको दोनों को ब्लाइंड फोल्ड क्यों लगाया है? ये तो बारामारी करेंगे, मालूम ही था मेरे को। अरे तो इस राउंड में क्या कर रहे हैं पहले सुन तो लो। तो हमने संकेत और प्रीति की आंख में लगा दिया है ब्लाइंड फोल्ड, और उनको जाके डिसाइड करना है कि अपोजिट टीम वाला क्या खाएगा। यानी संकेत लड़कियों के लिए चुनेगा और प्रीति लड़कियों के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। कौन जाएगा? अरे पहले कौन? अरे प्रीति जाएगी। अच्छा चलो चले, ऐसा थोड़ी जाएगी। चल कोई तो रास्ता, अरे संभाल के चल। अरे प्रीति प्रीति आ जा, ये उमेश ही रहेगा मुझे। ये मार, ले मार मेरे को, ले मार मार। अरे तू किधर जा रहा है? इधर खड़े रह। स्ट्रेट जा प्रीति, एकदम सीधा, एकदम सीधा, सीधा सीधा सीधा, बराबर बराबर बराबर। ओके ओके, बराबर बराबर। राइट 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 राइट। ओके क्या आया? इडली। क्या आया? इडली। इटली। इटली के लोग क्या खाते हो क्या? अरे पिज़्ज़ा हमको मिला वो। मैं प्रीति को घुमाया ना, अरे चल सीधा जा संकेत, सीधा। अच्छा सिलेक्ट करना। सीधा जाने बोला था यार। ओह नो। हाँ पहुंच गया, बस पहुंच गया। हाँ चल। अच्छा सिलेक्ट करना, अच्छा। मेरा हाथ है थिंग, जो वेनसडे वाला थिंग होता है। हाँ अच्छा कर रहा है, चला नाटक चल रहा है। अभी अभी अच्छा कुछ अच्छा। यहाँ पे ऐसा ऐसा। ये क्या हो गया? क्या आया? साउथ कोरिया? नहीं नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया। नारंगी। साउथ कोरिया? साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नहीं, समुद्र था, तुम्हें पानी पीने उसके अंदर का। पूजी साउथ नॉर्थ दोनों से सेम ही खाते रहेंगे। साउथ कोरिया है तो हम खाएंगे अभी किमची। हाँ क्या BTS? BTS खाने की चीज़। BTS का दिमाग खाओ, ब्लैक क्वीन खाओ। वाव यार, इटली का खाना ही कुछ आ रहा है। इटली में इतना सब कुछ खाते हो? तुमको क्या लगा इटली में इडली भी लेगा क्या लड़की? अच्छा लग रहा है वैसे वो, मतलब हमें जो आया है वो उसके नाम एक है इसको बोलते हैं हक्का नूडल्स। ये पनीर है, और ये नहीं नहीं कल का बचा हुआ भात। इसे बोलते हैं हॉट, सॉरी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम दिखाते हैं, हमारे पास है ये ग्रिल्ड चिकन जिसको बोला जाता है पोल अला ग्रिलिया, और ये है हमारे पास जिसको बोला पोलो फ्रिटो फ्राइड चिकन, और ये पास्ता भी है। पास्ता का नाम पास्ता नहीं, क्या पास्ता बोला मैंने तुम लोगों को? हमारा पास्ता नहीं है सस्ता। ओके। और जो ये टमाटर है इसको बोला जाता है पोमोड्रो। पोमोड्रो। इटालियन अंगूर है ना, इसको ऐसे मारा जाता है। जो जो पूछेगा उसको मारता है। हम पास्ता, हम पास्ता घर में जाने का ये है रास्ता। मेरी आंख फोड़ दी इसने। बस यही तो काम था ये इसका। ओके चलो अब चलो अभी खाते हैं। एक्चुअली ये नूडल्स ये तो ठीक, लेकिन ये बहुत ही ठंडे हो चुके हैं। प्लीज करना जैसे नूडल्स। ये ग्रिल चिकन का हाथ खाया जाए। अच्छा टेस्ट है। और ये कैसे खाते हैं? तो पनीर तो टोफू जैसी लगता है ये। अरे वो टोफू ही है। कैसा है दिखा थोड़ा। क्या बोला? फिर से खाना है? तुम दोनों को कोरिया घूमने को जाने का था? ये मारू सारंगी सारंगी करते रहते। अभी हमारा मन भर गया खाना खाके। वही मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि हम खाना यहाँ का लेके जाएंगे और घूमेंगे पूरी। जब तक ये लोग खा रहे हैं तब तक मैं आपको सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बताता हूँ, वह तेजस शेट्टी। ओके ऐसे ही कमेंट करते रहना। आप कोरियन के स्कूल लंच को मार्क्स तो दो 10 में से 6 या 7, 6 6 नहीं मेरे हिसाब से मैं 4 ही दूंगी। नहीं हम तो देंगे 8.5।
फॉर श्योर देख सब नाइन 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 फॉर श्योर तो अगर हम रेटिंग दे सबसे अच्छा फर्स्ट क्या था सबसे अच्छा ब्राजील हाँ ब्राजील ब्राजील फिर साउथ कोरिया और लास्ट में फ्रांस हमारा सबसे बढ़िया वाला लंच था वो था मैक्सिको मैक्सिकन फिर सेकंड था इटली 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 सबसे मस्त था और फिर यूएस यूएस तो खाया नहीं थर्ड था फिर जापान था और भी यूएस लेकिन तुमको ना सबसे अच्छे अच्छे आए यार इतना बड़ा बड़ा लंच जो भी आया हमारा हमारा हमने वो सिलेक्ट किया इसलिए कमेंट करके बता क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं आपने कौन से कंट्री के ट्राई किए हमें बताना कमेंट नहीं या फिर आप वो भी बताना कि आप अपने लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हैं और कमेंट करके बताना हम दूसरा भी इसका पार्ट टू करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बाय टाटा